दो बच्चे अभी और ज्वाइन किए हैं, 44 हो गए। ठीक है, तो ओके आई थिंक टू टू स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, तो लेट मी स्टार्ट। यहाँ तक क्लियर है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन? अच्छा, दो बच्चे जो चार आई थिंक आए हैं, इनसे थोड़ा सा हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिन जो भी नए ज्वाइन किए हैं। अच्छा आप बताओ, इनमें से जो हमारा इंडिया है वहां पे जो साइक्लोन्स हैं उसका कौन सी हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं? अभी अभी ज्वाइन किया है, एंड वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज नोन एज विली विली। जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया है, इट्स अ क्वेश्चन फॉर देम। अच्छा माइक ऑन कर सकते हो, जो जिसने भी अभी रेज हैंड किया है, यू कैन टर्न ऑन योर माइक जल्दी से। ओके, जिसने भी हैंड रेज किया है, यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड गिव द ऑस्ट्रेलिया आंसर। सर। ओके ऑस्ट्रेलिया, ओके गुड। एंड व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द साइक्लोन इन इंडिया? साइक्लोन, साइक्लोन स्टॉर्म्स। ओके साइक्लोन्स, बेसिकली साइक्लोन्स। ठीक है, सो नाउ वी आर कमिंग टू द टेम्परेट साइक्लोन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पहले भी शुरुआत में ही, जैसे क्लास हमने शुरू करी थी। सो द साइक्लोन्स व्हिच डेवलप इन द टेम्परेट एंड मिड लैटिट्यूडनल जोन दीज आर नोन एज द टेम्परेट मिड लैटिट्यूड, और एक और उसका नाम है, कल मैंने आपको बताया था, क्या नाम था? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास टेम्परेट मिड लैटिट्यूड एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, दीज आर डिवर्ट इन द रीजन ऑफ, अभी मैंने बताया था आपका, विच लैटिट्यूड? 32, 32-62 डिग्री, 60 डिग्री 32 डिग्री सर। नॉर्थ एंड 5 साउथ लैटिट्यूडनल जोन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो आपका टेम्परेट साइक्लोन्स है, ये 32-60 नॉर्थ एंड साउथ का जो लैटिट्यूडनल जोन है वहां पे डिवेलप होते हैं, और इसके ओरिजिन के पीछे, जैसे हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा था कि वहां पे नॉर्मली क्या होता है कि जो टेम्परेचर कंडीशंस होती है, दैट कंट्रास्टिंग टेम्परेचर कंडीशंस होती है, वो लैंड एंड सी के ऊपर की डिफरेंट होती है। बट इन केस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है कि आपका एक जो एयर मास है, एयर मास होता है, जैसे मैंने आपको कल भी थोड़ा आइडिया दिया था कि जो एक पर्टिकुलर जो एयर वॉल्यूम है, जो हॉरिजेंटल मूविंग एयर वॉल्यूम है विद ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको एयर मास कहते हैं। तो नॉर्मली क्या था कि जो टेम्परेट जो साइक्लोन है उसमें क्या होता कि जो एक जो एयर मास है वो वेस्टलीज का है, वेस्टली विंड का है, दूसरा जो एयर मास है वो आपका पोलर विंड्स का है। ठीक है, तो एक वेस्टली एक पोलर, दोनों को जो टेम्परेचर कंडीशंस होती है डिफरेंट होती है। आपको पता है कि जो वेस्टलीज होंगी वो कंपैरेटिवली वार्मर रहेगी, और जो पोलर से पोल की तरफ से आ रही है, जो पोलर ईस्टरी से जिसको हमने नाम दिया था, वो क्या होती है? कोल्ड होती है। तो दोनों एयर मासेस की जो टेम्परेचर कंडीशंस है डिफरेंट है। जब दोनों आपस में कन्वर्ज होते हैं, दोनों ही आपस में मिक्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रंटल जोन। फ्रंटल मींस फ्रंट, कि दो जो एयर कंट्रास्टिंग एयर मास है, मींस दो हवाएं हैं, एक गर्म हवा आ रही है, एक तरफ से बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है, जब दोनों मर्ज होंगी तो उनमें एकदम से जो मिक्सिंग हुई है, उसके बाद जो साइक्लोन डिवेलप होता है, दैट इज द टेम्परेट एंड मिड लैटिट्यूडनल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ए टेम्परेट साइक्लोन। इसमें आप जो देख रहे हो इज द लास्ट स्टेज ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन, आपको मैंने कुछ स्टेजेस भी करानी है कैसे ये लैटून या टेम्परेट साइक्लोन डिवेल्प होता है। सो दिस इज द लास्ट स्टेज जहां पे इसको हम टोटली कह देते हैं कि दिस इज द टेम्परेट साइक्लोन। आप देख रहे हो कि जहां पे जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, दिस इज द कोल्ड सेक्टर या कोल्ड एयर, ठंडी हवा, एंड दिस इज द जो रेड कलर के साथ है, दिस इज द वार्म एयर। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको याद, जो टेम्परेचर कम टेम्परेचर होता है वो हैवी होता है, एयर को हैवी करता है, डिसेंड करता है, उसके कारण होता है कि जब दो एयर मास टकराते हैं आपस में कन्वर्ज होते हैं, तो जो जो कोल्ड एयर वाला एयर मास होता है वो नीचे रहता है ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी एंड ड्यू टू इट्स हाई वेट, जो वार्म होता है वो उसके ऊपर राइड कर जाता है, उसके बाद डिवेल्प होता है, उसको हम टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है या टेम्परेट या मिड लैटिट्यूड या डिफरेंट नेम है, ये मैंने जहाँ पे जोन्स दिखा रखे हैं अभी, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 32,
60 का जो आपका जो जोन है वहां पे नॉर्मल जो टेम्परेट साइक्लोन सब वो डेवलप होते हैं। ये एक मैंने आपको बताया था कि एक जो यहाँ से जो पोलर स्टेट्स आ रही हैं वो ठीक है, जिसमें ज्यादातर क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर होता है बहुत कोल्ड होता है, ठीक है, मीन्स टेम्परेचर कम होता है, और यहाँ से जो वेस्टर्लीज आ रही हैं वो उनका टेम्परेचर कंपेरेटिवली उससे थोड़ा सा वार्म रहता है। तो दोनों यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके इस जगह पे इस जोन में आके मिक्स होते हैं, और उसके बाद इनकी जो ज्यादातर जो मूवमेंट रहती है अंडर द वेस्टर्ली, ठीक है, वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट वर्ड रहती है, जहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से ये वाली, ठीक है, यहाँ पे भी नॉर्मली ज्यादातर इनकी जो मूवमेंट रहती है वेस्ट टू ईस्ट रहती है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट रहती है वो ईस्ट टू वेस्ट रहती है। जैसे नॉर्मली इंडिया में क्या होता है कि जो वे ऑफ बंगाल में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो डेवलप होता है, बट अल्टीमेटली जो वो फिनिश होता है जिसको हम लैंड फॉल बोलते हैं, कल आई थिंक टर्म नहीं मैंने आपको कल कराई कि जो आई तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि साइक्लोन की आई होती है जो सेंटर ऑफ द साइक्लोन, जहाँ पे बिल्कुल काम एरिया रहता है और उसकी साइड में जो भी मूवमेंट रहती है वेदर की, ठीक है, जो एयर की मूवमेंट रहती है और वेदर कंडीशन रहती है उस, जैसे वो लैंड एरिया में एंटर करता है वो डाई होना शुरू हो जाता है, मीन्स उसकी जो जो उसकी जो सर्कुलेशन है साइक्लोन की खत्म होने शुरू हो जाती है, जिसको हम लैंड फॉल के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से ही ये जितने भी जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं, ठीक है, और इनके जो इन्फ्लुएंस रहता है वो वेस्टर्ली रहता है, जो हमने कल कराई है ना मैंने आपको कि जहाँ से जो जो सब ट्रॉपिकल हाई से जो सब पोल की तरफ को जो विंड मूव करती है, देन वो क्या होती है कि वो नॉर्थ वेस्टर्ली इस तरह से जो साउथ वेस्टर्ली तो बन जाती है, देन मूव करती है, तो उसी के इन्फ्लुएंस में ये सारी जो टेम्परेट साइक्लोन मूव करते हैं। और इंडिया में अगर आप देखो तो सर्दियों में जनवरी एंड फरवरी में ज्यादातर या दिसंबर में हमारे हम इसको टर्म एक यूज करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, कि जब भी कोई रेनफॉल हुई हम जनवरी में दिसंबर में तो हम कहते हैं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यही टेम्परेट साइक्लोन होते हैं जो वेस्टर्ली विंड के अंडर इन्फ्लुएंस में इंडिया तक पहुंचते हैं। नॉर्मली कहता कि जो आपका ये वाला एरिया जहाँ पे आप देखो मेडिटेरेनियन सी, जहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन डेवलप होता है, देन वेस्टर्ली विंड के इन्फ्लुएंस में इंडिया तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये एक इस तरह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन्स है। अब आता है कि जितने भी जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है उसमें जो टेम्परेट साइक्लोन है इस तरह से डेवलप होते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है जिसे हम ज्यादातर बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, ये हमारी सेकेंड स्टेज है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस, थर्ड होती है एडवांसिंग स्टेज, एंड इसको हम अक्लूजन बोलते हैं या जिसको हम बोलते हैं मिक्सिंग स्टेज, लास्ट वाली जो स्टेज होती है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी टेम्परेट साइक्लोन डेवलप होना है तो एक तरफ से क्या होता है वेस्टर्ली विंड्स आती है, यहाँ पे रेड कलर के साथ दिखाया कि मीन इनका टेम्परेचर कंपेरेटिवली थोड़ा सा हाई है, यहाँ पे ईस्टर्ली विंड है मीन्स टेम्परेचर उनका कम है, मीन्स बहुत कम कह लो या ठंडी कह लो। जब दोनों ही आपस में जहाँ पे क्या होते हैं मर्ज होते हैं और हेलो सर लीव हो गए हैं कम आ गया होना शायद कोई बच्चे आवाज आ रही है बीच डिस्कनेक्ट हो गया था बिल्कुल यस सर यस सर क्लियर है हेलो ये आपको क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेज जो मैं अभी बोल रहा था ओके ठीक है कि जहाँ पे क्या था नॉर्मली टू एयर मासेस है वन इज कमिंग फ्रॉम दी वेस्टर्ली विंड्स एरिया मींस ठीक है एंड अदर वन इज फ्रॉम दी पोलर मींस ईस्टर्ली विंड्स तो दोनों के बीच जो जोन होता है ट्रांजिशनल जोन जिसे कहते हैं उसको हम पोलर फ्रंट मीन्स ये वाली स्ट्रॉन्ग है इसको हम पोलर फ्रंट अगर वेस्टर्ली विंड स्ट्रोक होती है तो इसको वेस्टर्न फ्रंट हम कहते हैं तो जहाँ पे वेस्टर्न जो ईस्टर्ली विंड है वो ठंडी है तो इसलिए स्ट्रॉन्ग है इसके कारण इसको पोलर फ्रंट कहते हैं। अब सेकंड स्टेज ये थी हमारी इसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस ठीक है जहाँ पे फ्रंट फॉर्म होता है फ्रंट मीन्स जो
जोन एक क्रिएट होता है दोनों में कंट्रास्टिंग टेम्परेचर वाले एयर मासेस में। सेकेंड होता है स्टेज कि दोनों जोन आप ये फ्रंट जो पोलर फ्रंट है देख रहे हो, अब है कि इसके बाद जो ठंडी हवा होती है जिसको कोल्ड एयर मास है वो क्या करता है, इन्वेड करने की कोशिश करता है वार्म जो एयर मास के अंदर, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो कोल्ड एयर होती है स्ट्रांग होती है, हैवी होती है, एयर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको ये क्या करती है, पुल करती है। इसको पुल करने के बाद वो वार्म एयर को ऊपर उठा देती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस, ठीक है। जब दो विंड दो मींस एरिया दो विंड्स आपस में टकराने के बाद जो विंड ऊपर उठती है उसको हम साइक्लोनिक कहते हैं। तो इसमें जो कोल्ड की कोल्डर फ्रंट है मींस जो पोलर की तरफ से जो ईस्टरी विंड आ रही है उसने इसको पुश किया, ये ऊपर एरिया उठ गया और उसके बाद क्या होगा कि ये स्ट्रेंथ और स्ट्रांग होगी और इसने आगे इसको और पुश कर दिया और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो वार्म एयर है इसके बीच में ही रह जाएगी और बाकी सब साइड पे जितना भी एरिया है वो क्या हो जाएगा, दैट इज सराउंडेड बाय द कोल्ड एयर। तो नॉर्मल में सारा का सारा जो एरिया है वार्म एंड कोल्ड के बीच में मिक्स होके, पर ज्यादातर इन्फ्लुएंस किस चीज का रहता है, कोल्ड एयर का। अल्टीमेटली क्या होता है कि वार्म एयर जो थोड़ी बहुत बची थी जहां पे जो भी खत्म हो जाती है जहां पे आके, और एक पूरा एक जो जो साइक्लोन है डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा, जहाँ पे पता है ना ये मूवमेंट आपको सबको कल मैंने कराई हुई आपको कि जितना भी साइक्लोनिक एरिया होगा अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ड्यू टू कोरिओलिस इफेक्ट वो क्या रहेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आपकी फ्रंटोजेनेसिस, सेकेंड आपकी जिसे हम बोलते हैं कि साइक्लोजेनेसिस स्टेज, ये आपकी एडवांसिंग स्टेज है जिसमें और एयर अंदर चुकी है उसने बिल्कुल सबसाइड कर दिया है वार्म एयर को, एंड फाइनली क्या कि वार्म एयर बिल्कुल ही रिप्लेस हो चुकी है बाय द कोल्ड एयर, और जिसको हम बोलते हैं कौन सा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। और ये बिल्कुल इसी का जो कह लो कि ऑपोजिट जो कंडीशन है ये हमारी कहां पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में, एक वेस्टर्ली विंड्स आ रही है, एक हमारी ईस्टर्ली विंड आ रही है जो पोल की तरफ से आ रही है, बीच में पोलर फ्रंट है जो कोल्ड एरिया मींस पोलर की तरफ से पोल की तरफ से विंड आ रही है वो स्ट्रांग है, इन्होंने इसको पुश किया, ठीक है। और पुश करने के बाद नॉर्मली क्या है आगे जाके जो कोल्ड एयर ने और इसको रिप्लेस कर दिया, फाइनली सिर्फ हमारे पास कौन सा रह गया है, कोल्डर एयर मास रह गया, और उसके कारण जो डिपेंड है वो हमारा डायरेक्शन क्या रहेगी, जहाँ पे पता है ना आपको सबको कि जो भी आपका साइक्लोनिक एरिया होगा वो हेमिस्फीयर में क्या, इसमें विंड पैटर्न क्या रहेगा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या रहेगा, क्लॉकवाइज वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी जो कंडीशंस है ये आपकी टेम्परेट साइक्लोन की है, ठीक है। और नॉर्दर्न एंड सदर्न जब भी आपने एक्सप्लेन करना है टेम्परेट साइक्लोन को तो आपने ध्यान रखना कि वेदर यू आर एक्सप्लेनिंग दिस केस फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और फॉर द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये क्लियरली आपने देखना, क्योंकि यहाँ पे इसको वेस्टर्ली विंड पर नीचे इसलिए रखा है क्योंकि नॉर्थ में पोल है, यहाँ पे साउथ में पोल है, तो इसलिए इसको ईस्टर्ली विंड जो कोल्ड विंड को हमने नीचे रखा है, क्लियर है। और बीच में जो जोन बना है उसको हम बोलते हैं पोलर फ्रंट, क्लियर है यहाँ तक सबको, जी बिल्कुल, ठीक है। ये आप दो फोटो देख रहे हो जिसे हम बोलते हैं कि आपका टेम्परेट साइक्लोन एक्चुअल, ये मैंने जो भी आपको पीछे दिखाया ये हाइपोथेटिकल था, अब ये एक सैटेलाइट इमेजरी है जो यहाँ पे क्लियर आपको दे रखी है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ये आप देख रहे हो, ये कहाँ पे कंडीशन होएगी, ये देखो क्लॉकवाइज कहाँ का होएगा ये साइक्लोन, क्या है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। और ये कहाँ पे है दोनों के, समझ लो कौन से हेमिस्फीयर का है, साउथ का, जल्दी से कहाँ पे सर, राइट वाला साउथ का, और सर नॉर्थ वाला सर लेफ्ट वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर का,
अगर इसकी अगर मैं इसको साइक्लोन कहता हूँ, ठीक है, हो सकता है कि मैं जो उल्टी सीधी बनाई हो, ठीक है, बट ये जो मैं अगर कहूँ, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो अमेरिका नॉर्दर्न जो जैसे एंग्लो अमेरिका कहते हैं, और यहाँ पे जो लैटिट्यूडनल जोन भी आपका कौन सा दिख रहा है, 32-60 के बीच का जो एरिया है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, साइक्लोनिक एरिया है जिसे हम टेम्परेट साइक्लोन कह सकते हो। और ये जो पिक्चर मुझे लग रही है, ये भी आई थिंक उसी का जो पार्ट लग रहा है, बट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ऐसे देख रहा है, ये मींस आपका कौन सा है, हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है, तो ये साइक्लोनिक है, ये एंटी साइक्लोनिक है, और दोनों ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो केस है आपका, ठीक है, ये मुझे वही अमेरिकन कोस्ट ही लग रही है, तो इसी कारण ये हाई प्रेशर आपका लग रही है, हाँ देखने लगते हैं, बट दीज आर नॉट द सेम, ठीक है, डिफरेंट केस है, तो दिस इज दी हाई प्रेशर एरिया जिसे हम साइक्लोनिक कह सकते हैं, और दिस इज दी आपका कौन सा है, आपका साइक्लोनिक एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर की जो विंड्स आपकी आ रही है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट दीज आर दी एक्चुअल इमेजेस ऑफ टेम्परेट एंड आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्लियर है जहाँ पे जी, अगर जी, अगर जी, मैं देखो अगर अगर ये तो चाइना का नीचे का एरिया है, तो इट्स ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो डिपेंड करता है कि कौन सा किस तरह से है, तो इमेज के हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे क्लियरली क्या है, बट दीज आर दी टू केसेस ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, ये तो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है, बट दिस इज नॉट क्लियरली, पता नहीं लग रहा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर है तो किस एरिया का है, बट अगर मैं यहाँ पे इसकी जो मूवमेंट देखूं, जो अंदर को इस तरह से आ रही है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के केस है, दोनों ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के केस है आपके, ठीक है, क्लियर है जी, जी हाँ, ये टेम्परेट एंड ये आपका साइक्लोन ट्रॉपिकल का, ठीक है, अब आते हैं कि दोनों में जो डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, जितने भी हमें अभी तक किया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, टेम्परेट क्या है, सो राइट फ्रॉम फर्स्ट टू एट पॉइंट अब क्या है कि एरिया ऑफ अफ्रेंस, तो टेम्परेट साइक्लोन अभी मैंने क्लियर किया है कहाँ पे, 32-60 या 66, आप 60 भी ठीक है, आपको कोई गलत नहीं है, तो ये आपका टेम्परेट साइक्लोन की डेवलपमेंट का एरिया है, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या रहता है, विदन 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, पूरा का पूरा टॉरिड जोन, ठीक है, क्लियर है जहां तक जी, yes, क्लियर है, ओके जी जी, ठीक है, कि ट्रॉपिकल एंड दिस इज द टेम्परेट जोन, आज यहाँ पे लैटिट्यूडनल जोन की वैल्यू से क्लियर हो जाता है, अब आते हैं कि सेकंड पॉइंट ओरिजिन, ये मैंने अभी क्लियर कर दिया है कि टेम्परेट साइक्लोन में एक आपका वेस्टर्ली होता है एयर मास, दूसरा आपका होता है पोलर एयर मास, और दोनों की मिक्सिंग के कारण, मीन्स दोनों के जो अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन है उनकी मिक्सिंग के कारण जो साइक्लोन डेवलप होगा, दैट इज ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, यहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिकल में होगा, बट जो डिफरेंसेस रहेगा टेम्परेचर में, वो जहाँ एयर प्रेशर में, वो लैंड एंड सी के ऊपर होगा, नॉर्मली मैंने आपको कहा है कि इट इज ओरिजिनेटेड ऑन दी सी सर्फेस देन मूव टूवर्ड्स दी लैंड एरिया, और इसकी जो मूवमेंट होती है ज्यादातर आपको मैंने क्लियर किया था, ईस्ट टू वेस्ट होती है, और इनकी वेस्ट टू ईस्ट होती है, ठीक है, क्लियर है जी, ओके, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, जो टेम्परेट साइक्लोन होता है बहुत, इसका जो एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो इसलिए लार्ज एरिया में 1600 to 3200 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो टेम्परेट साइक्लोन का है, मीन्स इसकी जो कवरेज रहती है बहुत ज्यादा है टेम्परेट साइक्लोन, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत, इसका एरिया कम होता है, एरिया 50 to 200 किलोमीटर के बीच का रहता है, क्लियर है, ज्यादा क्लियर है, ओके, अब आते हैं विंड वेलोसिटी, कंपैरेटिवली लेस होती है, बहुत स्लो मूव करते हैं, बट यहाँ बोलो बोलो बच्चे, हाँ जी पंकज ने बोला था कुछ, बोलो पंकज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नाल मैं दस दिया करो तुसी भी, जेड़े है साइक्लोन जन की केड़े अपने स्टेट दे विच आंदे आ, ते जन की केड़े आ
बच्चे ये मैंने आपको बताया कि जितना भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इसका मैंने कल एरिया बता दिया है कि एक तो आपका साउथ चाइना सी जहाँ पे इसको हम टाइफून के नाम से जानते हैं, दूसरा एरिया है ऑस्ट्रेलिया जिसको हम कहते हैं विली विली, इंडिया बंगाल एंड अरेबियन सी जहाँ पे इसको साइक्लोन कहते हैं, और जो अटलांटिक है वहां पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है जहाँ पे इसको हरिकेन कहते हैं, ठीक है ये एरिया है। और टेम्परेट के जो जोन है वो 30 to 60 डिग्री मैक्सिमम ऑन दी लैंड एरिया, ठीक है ओके जी जी ओके। नाउ कमिंग टू दी विंड वेलोसिटी, इसमें बहुत स्लो है, इसमें बहुत इसकी तेज है, विंड वेलोसिटी ज्यादा है। अब एट की टाइम ऑफ ओरिजिन, अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कल सुमन का भी मुझे रात को एक क्वेश्चन आया था इसी के रिगार्डिंग कि टेम्परेट साइक्लोन है जो इनका टाइम पीरियड क्या रहता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब लैंड एरिया पे विंटर आती है, मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, तो जब भी विंटर आती है तभी जाके जितने भी आपके टेम्परेट साइक्लोन है ज्यादातर डेवलप होते हैं, और उसी का रीजन है कि हमारा विंटर में जो रेनफॉल होती है पंजाब हरियाणा में या दिल्ली तक होती है जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो उसी का रिजल्ट होता है, ठीक है। ये हमारे होता है नॉर्मली स्प्रिंग सीजन में एंड ऑटम सीजन में, जहाँ पे सीजनल जो चेंज होती है मौसम में, ठीक है, वेदर में, क्लियर है, ठीक है। यस सर। टेम्परेट विंटर में ट्रॉपिकल आपके जो सीजनल चेंजेस है मींस ऑटम एंड स्प्रिंग में, देन आता स्पीड ऑफ साइक्लोन्स, ठीक है, 80 to 300 किलोमीटर जो है पर आवर जो इसकी जो स्पीड रहती है टेम्परेट साइक्लोन की। बट यहाँ पे आप देखो कि इसकी जो स्पीड है, अगर यहीं से आप क्लियर कर लो कि 160 से लेके 1600 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी ज्यादा स्पीड है, ठीक है। अब आता है कि पीरियड ऑफ रेजिस्टेंस, लॉन्गर पीरियड, काफी टाइम तक इसका जो असर रहता है, बट जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो 10-12 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन में खत्म हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। ज्यादातर नॉर्मली 1 वीक तक ही होता है इनका पीरियड। अब आता है नेचर, ज्यादातर जो जितने भी टेम्परेट साइक्लोन है ये अच्छा वेदर ही लेके आते हैं, मींस दे आर प्लीजेंट इन वेदर कंडीशंस, बट इन केस ऑफ साइक्लोन्स ये मोस्टली क्या होते हैं, हमेशा ही एरिया बहुत कम है और इनकी विंड वेलोसिटी बहुत, मींस विंड वेलोसिटी ज्यादा है और स्पीड विंड की बहुत ज्यादा होने के कारण ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रहते हैं। ये पक्का क्वेश्चन आना है, आप नोट करके चलो जो मैंने अभी करवा दिया है, ठीक है। अब जो थर्ड मैंने आपको कराया था टोर्नाडो, सेम है तो साइक्लोन ही, बट टोर्नाडो अगर बहुत छोटी स्केल पे आता है, मींस 4 या 5 किलोमीटर के जो इसका जो कवरेज रहती है, और इसको हम बोलते थे फ्यूनल शेप जो साइक्लोन होते हैं, फ्यूनल शेप जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी आई के साथ, और इट्स ए विजिबल कह लो कि ऑन दी सरफेस, चाहे वो ज्यादातर लैंड होता है, ठीक है। तो टोर्नाडो आर काइंड ऑफ वेरी डिस्ट्रक्टिव फ्यूनल शेप्ड और वेरी हाई स्पीड साइक्लोनिक एरियाज, ठीक है। तो टोर्नाडो इसको टर्म इसी यूज करते हैं, और टोर्नाडो नॉर्मली जितने भी आपके लैंड एरियाज होते हैं जो कॉन्टिनेंटल एरियाज होते हैं वहां पे ये डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये एक आपको पिक्चर जहाँ पे मैंने दे रखी है टोर्नाडो की, और ज्यादातर जो यूएसए का जो आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको का ऊपर का मिसिसिपी वाला जो पार्ट है, लैंड पार्ट है, वहां पे सबसे ज्यादा जो आपके टोर्नाडोस आते हैं। इंडिया में भी आते हैं गर्मियों में, बहुत बहुत छोटे छोटे होते हैं, और पंजाबी एंड हिंदी में उसको हम बहुत अलग नाम देते हैं, और जब हम आई थिंक बच्चे थे तो हम खेलते भी थे इनके बीच बीच में जंप लगा के, बता सकते क्या कहते हैं बाबरोला, कहते बाबरोला। तो आप देख लेना कि नॉर्मली मई एंड जून में आपको ऐसे से तेज तेज से विंड घूमती दिख जाती है, उसका रीजन सिंपल सा टोर्नाडो को होता कि एकदम से एक्सट्रीम हीट होने के कारण जहाँ पे जो विंड होती है वो हीट होके ऊपर उठती है, एंड कोरियोलिस इफेक्ट के कारण उसका जो मूवमेंट होती है इतनी ज्यादा तेजी से होती है कि वो आपकी जो मूवमेंट है वो जो एंटी क्लॉकवाइज रहती है वो ऊपर घूमते घूमते मींस वो क्लाउड फॉर्मेशन के साथ मैच कर जाती है, मींस जहां से जो विंड उठी जल्दी से वो उसने क्लाउड फॉर्म करे और उसी का जो पार्ट है नीचे तक आ गया। और कई बार इसको हम कोलेट करते हैं वाटर स्पाउट से, वाटर स्पाउट होता है अगर मान लो कि टोर्नाडो गलती से आपका पानी में वाटर में एंटर कर गया और उसके कारण इसने टोर्नाडो को नहीं मैं ज्यादा कहूंगा बट ट्रॉपिकल साइक्लोन को वाटर स्पाउट के साथ करूंगा,
अगर मैं पीछे बिल्कुल इस पॉइंट पे आ जाऊं, ये वाला, ठीक है, इसमें नॉर्मली कहता कि जब साइक्लोन, क्योंकि ये टॉपिकली पहले ओशियन के ऊपर शुरू होते हैं, तो अगर मान लो साइक्लोनिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन है तो क्या होता है कि वो जहां से शुरू होता है वहां पे अगर बहुत ज्यादा फिश है तो वहां से पानी के साथ साथ तो फिश को कैरी करके आगे टाइम पे आके रेन की जो जो फिश की जो रेन होती है उसको वाटर स्पाउट के नाम से जानते हैं। कई कई अर्थ के ऊपर जगह है जहाँ पे प्लेसेस है जहाँ पे ऐसे ऐसे इवेंट जो मरीन्स रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। अब आता है कि टोर्नाडो, ये मैंने करा दिया आपको, ये एक और पिक्चर है टोर्नाडो की, बहुत क्लियरली विजिबल दिख रहा है जहाँ पे, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं क्योंकि इसके इन्फ्लुएंस में जो भी चीज आएगी वो उसको यहाँ तक ऊपर तक कैरी करने की इसकी कैपेसिटी देती है, चाहे वो जितनी मर्जी हैवी हो। एंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ टोर्नाडो, ठीक है, ये देख रहे हो ना आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये आपकी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगी। और नॉर्मली रीजन यही होता है कि एक हॉट एयर है, कोल्ड है, और मिक्सिंग के कारण जो आपका एकदम से जल्दी से ऊपर उठती है। क्लाउड ऑफ डेब्रिस एंड डस्ट मीन्स बिल्कुल जहाँ पे मिट्टी दूर जो भी डेब्रिस होगा उसको साथ में कैरी करेगी। अब है नेक्स्ट टॉपिक मॉइस्चर, ठीक है, और जहाँ पे ब्रेक हम कम लेंगे, ठीक है। मॉइस्चर में क्या, नॉर्मली जो जितना भी वाटर वेपर होता है एटमोसफेयर में वो आपका एज ए मॉइस्चर हम उसको कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मल केसेस में क्या था कि वाटर वेपर इज ए सोर्स ऑफ ऑल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जिसे हम बोलते हैं कि जो भी आपकी क्लाउड फॉर्मेशन रहती है, कंडेंसेशन का सिंपल सा प्रोसेस होता है कि जो लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में जो वाटर चेंज होता है उसको हम कंडेंसेशन का जो प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो वाटर वेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाउड फॉर प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब आता है कि अगर हम सीधी सी बात करें कि वाटर वेपर वेरीज फ्रॉम 0 to 4%, मैंने ऑलरेडी आपको ये करा दिया है कि डिपेंड करता है कि आप किस जोन में हो, बट मैक्सिमम इसकी जो परसेंटेज होती है अगर ऑन एन एवरेज ओनली 1%, बट इक्वेटोरियल एरिया में ये 4% हो सकता है, और अगर कह रहे कि पोलर एरिया में जहाँ पे हमेशा स्नोफॉल या आइस रहती है वहां पे वाटर वेपर 0 हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह से ये प्रेसिपिटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं आगे सीधा आऊंगा उस पॉइंट पे, ठीक है। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में नॉर्मली क्या है कि इट बिगिंस विद द इवेपोरेशन, ठीक है। देन क्या होता है कि जो इवेपोरेशन के कारण जो वाटर गैसेस फॉर्म में है दैट इट कंडेंसेस, ठीक है। देन उसके बाद अगेन इट चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम गैसेस टू वाटर, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एंड फाइनली हमारे पास सरफेस रन ऑफ की मीन्स पानी जो तेज चलता है रेनफॉल के बाद उसकी हमें तो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। अब आता है कि ये वाटर साइकिल का यहाँ पे एक पिक्चर है जो बहुत क्लियरली है कि हमारे पास जहाँ पे वाटर है, ठीक है, सरफेस रन ऑफ फाइनली पहले यहाँ से जो वाटर है वो इवेपोरेट होके इवेपोरेशन के कारण क्या है क्लाउड फॉर्मेशन होगी, जो ट्री है एंड प्लांट्स है वहां से उसको हम इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं, अगेन यहाँ पे आ गए, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, इवेपोरेशन एंड इवेपोट्रांसपिरेशन दोनों मिला के कंडेंसेशन, ठीक है। स्टोरेज क्या बच्चे हार्दिक, आप से गल्लां करी जांदे सर, ठीक है। तो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है मींस आपका जो वाटर है इवेपोरेशन एंड इवेपोट्रांसपिरेशन के कारण कंडेंसेशन में जहां पे क्लाउड के फॉर्म में वाटर सारा स्टोर हो गया, देन अगेन वाटर जो स्टोरेज है इन आइस एंड स्नो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में मींस आपका जो रेनफॉल है या अदर फॉर्मेशन है मैंने आपको करानी है, अल्टीमेटली स्नो एंड रन ऑफ पे फिर आगे, तो पूरा का पूरा जो वाटर साइकिल है इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब आता है कि कैसे कैसे किस किस तरह से ये चेंजेस आती हैं। अगर मान लो कि आपका सॉलिड टू लिक्विड आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि कोई भी आपकी स्टेज है जिसे हम मेल्टिंग के नाम से कहते हैं कि स्नोफॉल है, अगर आइस है तो अगर वो मेल्ट हो रही है तो दैट इज द स्टेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। और जब भी सॉलिड टू लिक्विड आपकी कोई भी चेंज वाटर की जो फॉर्म है चेंज होनी है, उसको जो चेंज होने में जो एनर्जी लगती है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट मींस जो एनर्जी इनको कन्वर्जन में लगती है, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन में जो एनर्जी लगती है उसको हम लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली अगर कभी आपने ऑब्जर्व भी किया हो, जब भी कभी बारिश होती है और बारिश होने के बाद आप देखो हल्की सी हीट हो जाती है,
उसका रीजन यही होता है कि जितने भी वाटर वेपर थे वो आपके जब वाटर में चेंज हुए, रेनफॉल में चेंज हुए और उसके बाद जो एनर्जी रिलीज हुई है, जब वो रिलीज कैसे हुई कि जब अब्सॉर्ब हुई थी, मान लो जब वाटर से इवेपोरेशन हुई और क्लाउड फॉर्म हुआ, उस टाइम जो हीट अब्सॉर्ब हो गई थी, बट जब गैसियस फॉर्म टू अगेन जो वाटर की फॉर्म में वापस आया, उसके बाद जो हीट वो रिलीज हुई जो अब्सॉर्ब करी थी, जब पानी से गैसियस मींस वाटर वेपर बने थे उसको लेटेंट हीट अब्सॉर्बेंस कहते हैं, जब वो लेटेंट हीट रिलीज हुई है तब गैसेस से आपका रेनफॉल में, तो इसीलिए अगर आप देखो कभी भी जब भी रेनफॉल होती है तो उसके बाद आपको थोड़ी सी कभी कभी हीट महसूस होती है, ज्यादा टाइम नहीं होती, थोड़े टाइम पे ही होती है, उसको हम लेटेंट हीट रिलीज बोलते हैं, जब वाटर से वाटर वेपर होता है उसको लेटेंट हीट अब्सॉर्बेंस बोलते हैं, ठीक है। तो लेटेंट हीट के दो कंसेप्ट है, एक जब अब्सॉर्ब होती है, एक जब रिलीज होती है, दोनों। अब्सॉर्ब कब होगी, जब वाटर टू वाटर वेपर चेंज होना है, रिलीज कब होगी, जब वाटर वेपर टू वापस वाटर की फॉर्म में आना है तब इसको रिलीज होती है। क्लियर हो रहा है इसका लेटेंट हीट का? जी सर, यस सर, यस सर। अब्सॉर्ब होनी है जब वाटर से वाटर वेपर है तो अब्सॉर्ब हो जाएगी हीट, उसके अंदर चली जाएगी, जब वाटर वेपर से अगेन वापस वाटर की स्टेज पे आए तब वो जो लेटेंट हीट मींस जो लुकी हुई, जिसे लेटेंट बोलते हैं, हिडन हीट थी, वो वापस आ गई, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट रिलीज, ठीक है। तो अब्सॉर्ब एंड रिलीज, दीज आर द टू कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आता है लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इवेपोरेशन इज द प्रोसेस जहां पे वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म। कंडेंसेशन में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जो गैसियस फॉर्म में जो वाटर पेपर में जो स्टोरेज रहती है एंड फाइनली टू ए लिक्विड लाइक वाटर, मीन्स बहुत इतनी ड्रॉपलेट्स होते हैं कंडेंसेशन में, बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो क्लाउड की फॉर्म में रहते हैं बट हमें दिखते नहीं है कि ये वाटर मींस पानी है, बट अगर कभी भी अगर कहे कि क्लाउड फॉग की फॉर्म में नीचे हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि छोटे छोटे, अगर जब आप फॉग में या धुंध में चलते हो तो आपको फील होता है कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो कंडेंसेशन जो क्लाउड होता है, एक तरह से क्लाउड हाई ऑल्टीट्यूड में है, फॉग उसी की जो फॉर्मेशन है वो ग्राउंड लेवल पे होती है। मैंने कराना है आगे आपको, ठीक है। अब आता है कि ये थी दो स्टेजेस जहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड हुआ है, ठीक है, एंड लिक्विड टू गैस हुआ है, ठीक है। अब आता है कि कई बार क्या होता है कि सॉलिड टू गैस, कि नॉर्मली क्या होता है कि आइस जब मेल्ट होती है तो पानी होता है, बट कई बार होता है कि आइस मेल्ट होने के बाद वो सीधा ही मींस मेल्ट मेल्ट होने के बजाय वो सीधा ही गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, पानी नहीं बनता उसका, ठीक है। और उस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। कल भी मैंने आपको ये टर्म बताई थी कि व्हेन सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू द गैसियस फॉर्म, दैट इज नोन एज द सब्लिमेशन। क्लियर है आपको यहां तक? यस सर। जो आपके पोलर एरियाज होते हैं वहां पे क्या होता है कि मेल्टिंग की बजाय सीधी गैस फॉर्म में चली जाती है, बट वहां पे भी बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बट कई बार होता है कि जितने भी आपका जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज है वहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, जहां पे क्या होता है कि सॉलिड टू गैस। कई बार ये होता है कि बहुत एक्सट्रीम जो टेम्परेचर है, मान लो कि डेजर्ट एरिया है, आपने बाम पे कोई भी बर्फ रखी है और वो मेल्ट पानी नहीं बनेगा उसका, डायरेक्टली वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट कंडीशंस है बाम पे, टेम्परेचर कंडीशंस कैसे उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ड्राई आइस अगर बात करें, और ये एक केस दे रखा है, इसके ऊपर मैं ज्यादा डीप डिटेल में नहीं जाना। सेकेंड जो केस है हमारा पास डिपोजिशन होता है, जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि गैसियस टू सॉलिड एकदम से आपका चेंज हो जाता है, कि मान लो वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर अगर डायरेक्टली आपका सॉलिड मींस स्नोफॉल बन जाए, आइस क्रिस्टल बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, डीपोजिशन। फ्रॉस्ट आपने एक कंडीशन देखी होगी जहां पे नॉर्मली क्या होता है कि जो वाटर वेपर होता है वो डायरेक्टली आपका जो जिसे फ्रॉस्ट जिसे बोलते हैं, कोहरा जिसे हम कई बार बोल देते हैं, अगर वो कंडीशन हो तो आपका उसको हम डीपोजिशन कहते हैं, डेपोजिशन, ठीक है, क्लियर है। तो सब्लिमेशन में सॉलिड टू गैस डायरेक्टली एंड डीपोजिशन में गैस टू सॉलिड डायरेक्टली, क्लियर है जहां तक?
ये स्टेजेस बनी हुई है, तो इसको मैंने ऑलरेडी करा दिया, अगर सॉलिड टू सीधा गैस चला जाए तो सब्लिमेशन, और गैस टू सॉलिड सीधा चला जाए तो आपकी डिपोजिशन, बाकी जो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग एंड एवेपोरेशन मैंने आपको करा दिया पीछे, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी एक और कंसेप्ट है कि जो मैंने अभी वाटर वेपर इतनी देर मैंने बोला है, अगर मैं उसको टेक्निकल टर्म में बोलूं तो दैट इज नोन एज दी ह्यूमिडिटी, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, वाटर वेपर जो है वो एयर में जो उसकी अवेलेबिलिटी है उसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सैचुरेशन एक ऐसा पॉइंट होता है कि एयर तब तक ह्यूमिडिटी को अब्सॉर्ब कर सकती है, मीन्स वाटर वेपर को अब्सॉर्ब कर सकती है, जब तक उसमें सैचुरेशन पॉइंट ना हो। सैचुरेशन मीन पॉइंट कि उसकी जो होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है कि वो कितनी और जो वाटर वेपर उसमें अब्सॉर्ब कर सके। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होता रहेगा किसी भी एयर के अंदर सैचुरेशन पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम होता जाएगा तो सैचुरेशन पॉइंट बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर मान लो कि टेम्परेचर कम है तो जो भी एयर होगी उसमें जो वाटर वेपर जो उसमें आ सकते हैं वो उतनी जल्दी वो सैचुरेटेड हो जाएगी। अगर मान लो बहुत गर्मी है, ठीक है, तो ज्यादा गर्मी है तो उसमें ज्यादा वेपोरेशन होने के कारण सैचुरेशन भी लॉन्ग कह लो कि टाइम जब एक्सेस टाइम लग जाती है, ठीक है। तो सैचुरेशन जब तक नहीं आती तब तक वाटर वेपर जो है एयर में अब्सॉर्ब होता रहेगा, ठीक है। अब आता है रिलेटेड ह्यूमिडिटी, रिलेटेड जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसका मतलब होता है कि कोई भी जो वो एयर है वो कितने वाटर वेपर अब्सॉर्ब कर सकती है, और वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की एक एग्जांपल मैं जहां पे आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, ये ठीक है। आप देखो कि इस पूरे जो कॉलम है, कॉलम ऑफ एरिया कह लो कि इसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20% है, मतलब कि यहाँ पे इस सर्कल के अंदर जितने भी एयर है वो कितने और अभी इसमें ह्यूमिडिटी आ सकती है, वाटर वेपर आ सकता है 80% और आ सकता है, 80% और आ सकता है। तो दिस इज वाटर वेपर कैपेसिटी। यहाँ पे जो इसकी इस कॉलम जो यहाँ पे जो कॉलम देख लो इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 50% है, मीन्स इसमें 50% अभी और वाटर अब्सॉर्ब हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट, क्या है ये आपका सैचुरेशन पॉइंट है, जहाँ पे ऑलरेडी आपकी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो चुकी है, अब इसमें और वाटर कंटेंट नहीं आ सकता, और अगर इसमें और वाटर कंटेंट आएगा तो वो ड्रॉप हो जाएगा, चाहे वो ड्यू की फॉर्म हो, आगे मैंने करा दिया वो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर देखो शाम के 5 बजे है, तो यहाँ पे वाटर वेपर की जो कैपेसिटी है आपकी 20% मीन्स और आ सकता है। अगर सुबह का टाइम देखो तो तब आपकी हीट ज्यादा होती है, तो उसके कारण भी आपकी अभी 1 बजे तक आपकी जो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो आप 1 बजे तक 50% और ले सकते हो, ठीक है। ये आपकी सुबह 5 बजे की जब ठंड होती है, मीन्स तब वाटर जो कैरिंग कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है वो ठंडी हवा की, ठीक है। तो वार्म एयर की जो कैरिंग कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी है वाटर वेपर की बहुत ज्यादा होती है, जो कूलर एयर होती है उसकी जो वाटर कैपेसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, क्लियर है। अब आता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट नॉर्मल होता है कि जब जो सैचुरेशन होती है उस सैचुरेशन पॉइंट से मान लो और उसमें वाटर अब्सॉर्ब हो गया, तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर वेपर होएगा वो ड्यू पॉइंट मीन ट्रेल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा किसी भी कूलर सरफेस के ऊपर, ठीक है। और उसके लिए ज्यादातर होता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर की यूज करते हो, आजकल साइक्रोमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जहां पे मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये आपका ड्यू मैंने बताया हुआ, ड्यू जिसे हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, कि जो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी है बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पे है, और जो अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर मीन्स डाउन हो रहा है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर डाउन हो गया तो उसके उस एयर के अंदर जितना भी वाटर वेपर होएगा वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ड्यू में, किस में, ड्यू में, वाटर में, ठीक है। तो नॉर्मल क्या आता है कि जो लोहे के सरफेस होते हैं, पत्ते होते हैं, ग्रास होती है, या ऐसे जो ठंडे सरफेसेस होते हैं, सुबह सुबह क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर डाउन होने के कारण जो वाटर होल्डिंग कम हो जाती है एयर की, और उसके कारण जो भी उसके अंदर मॉइस्चर होता है वो डिपॉजिट हो जाता है वहीं पे, उसको हम बोलते हैं ड्यू। मान लो जब ड्यू थी
टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया तो ये जितनी भी ड्यू है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आइस में। अभी बताया मैंने क्या होता है, अगर मान लो ये ड्यू है, इसका अभी सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट से टेम्परेचर अब नीचे चला गया 0 डिग्री से नीचे फ्रीजिंग पॉइंट से, तो क्या होगा फिर ये सारा पानी जो ड्यू हुआ क्या हो जाएगी? आइस में जो कन्वर्ट होगी, और उसको टेक्निकल टर्म बोलते हैं फ्रॉस्ट, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब आज तक मेरे ख्याल से ये टर्म अगर आपको समझ आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये बड़ी टेक्निकल टर्म है, बड़े जो आपका जो एडवांस स्टेज पे होता है सिलेबस वहां पे। नॉर्मल एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज का मतलब होता है कि जब भी एयर होती है, जब वो एक्सपेंड होती है वो ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, और जब भी वो कंप्रेस होती है वो वॉर्म होती है, और उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है एयर डेंसिटी और एयर मॉलिक्यूल आपस में कंपैक्ट होने की वजह से, और इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंजेस। मीन्स जब जब आप अर्थ से ऊपर जाते जाओगे आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन होता जाएगा, ठीक है, इंक्रीज इन हाइट विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, और इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंजेस। तो ये है जहां तक, ज्यादा नहीं इसको समझने की जरूरत अभी, बट थोड़ा टर्म आपको होना चाहिए। अब आता है कि दो चीजें होती है, एक तो ड्राई एक वेट। ड्राई का मतलब होता है कि जब आपकी जो एयर है वो अनसेचुरेटेड है, अगर आपकी वेट है एडियाबेटिक रेट तो आपकी वो सैचुरेटेड एयर है, मींस उसमें वाटर वेपर को भी हमने इंक्लूड किया है, ये बाद में कराएंगे, तो अभी इसको इतना आपके सिलेबस के हिसाब से ये चीज आपके सिलेबस पे नहीं है, तो सो आई वॉन्ट कवर इट। अब आता है कि क्लाउड फॉर्मेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब वाटर से वाटर वेपर का जो फॉर्मेशन होती है, जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा क्लाउड फॉर्मेशन के लिए होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन में एडियाबेटिक कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। एडियाबेटिक कूलिंग मींस डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, वेरी गुड, उसको हम एडियाबेटिक कूलिंग बोलते हो, कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे एडियाबेटिक कूलिंग के कारण क्लाउड फॉर्मेशन होती जाएगी, ठीक है, क्लियर है? जो भी क्लाउड होते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, दिस आर दी टाइनी ड्रॉपलेट्स इन दी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, जो क्लाउड होता है, ठीक है। अब आता है कि जो प्रोसेस होता है नॉर्मली है कि जो भी आपका जो क्लाउड फॉर्मेशन है, जहाँ तो नॉर्मल क्या होता है कि आपकी एयरलिफ्ट होनी जरूरी है, क्लाउड तभी फॉर्म होगी जब एयरलिफ्ट होगी, ठीक है। अब क्या है कि उसकी एयरलिफ्टिंग के लिए जहाँ तो ओरोग्राफिक फैक्टर होना चाहिए, मीन्स हवा चल रही है आगे माउंटेन आगे, हवा उसके ऊपर राइड करगी और वहां पे क्लाउड फॉर्म हो गया। दूसरी बोलते हैं कि एडियाबेटिक कूलिंग, जिसे हम कन्वेक्शन भी बोलते हैं, आगे है यहाँ पे एक डायग्राम, ठीक है, फ्रंटल बैजिंग, जिसे बोलते हैं कि एयर आई और दो अलग अलग एयर मासेस है, एक ठंडा एक गर्म है, दोनों आपस में जब टकराएंगे ठंडा हैवी होने के कारण रहेगा, वार्म उठ जाएगा, वार्म ऊपर जाके फिर ठंडा होके अल्टीमेटली क्लाउड फॉर्म कर देगा। तो ये दो एग्जाम्पल है, यहाँ से एयर ऊपर उठी, यहाँ पे बैरियर था ओरोग्राफिक बैरियर था माउंटेन थी, और जहाँ पे आके एयर ठंडी होके आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगी, इसको बोलते हैं बैजिंग, फ्रंटल बैजिंग। वार्म एयर इधर है, कोल्ड एयर इधर है, कोल्ड हैवी होने के कारण नीचे रहेगी, वार्म इसके ऊपर राइड करगी और ऊपर उठती गई एडियाबेटिक कूलिंग के कारण अल्टीमेटली ऊपर जाके क्या हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, इसको ओरोग्राफिक एंड इसको फ्रंटल। क्लियर है? एक मैंने ये आपको सेम करवा दिया, ठीक है, कन्वर्जेंस में होता कि एक इधर से हवा आ रही है एक इधर से आ रही है, दोनों की टेम्परेचर कंडीशन सेम है। अब इस केस में क्या था, एक क्या था ठंडा था, एक गर्म एक ठंडा एयर मास, ठीक है। अब इस केस में कन्वर्जेंस में क्या होता है, दोनों जो विंड्स है वो सेम टेम्परेचर कंडीशन के लिए दोनों टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, ऊपर उठ गई और क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकती, ठीक है, तो इसलिए क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। एक होती कन्वेक्टिंग, हीट हुई हवा गर्म होके ऊपर उठ गई, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिंग, कन्वेक्शनल, ठीक है। तो हमारे पास चार केसेस है जब क्लाउड फॉर्म होंगे, एक आपका ओरोग्राफिक, एक आपका फ्रंटल, एक आपका कन्वर्जेंस, एक आपका कन्वेक्ट लोकल कन्वेक्शनल, ठीक है, हाँ लोकलाइज भी कह सकते हैं, कन्वेक्शन हो कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है?
ये आपके रेनफॉल के फॉर्म में भी होने। अब इसी को कर लो आगे, आगे भी आपका आना है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। एक होती है ऑरोग्राफिक, मींस ऑरोग्राफिक रेनफॉल जब आपका बैरियर आगे कोई भी, दूसरा आपका फ्रंटल है जिसके कारण रेनफॉल हुई है, थर्ड आपकी कन्वर्जेंस है, दो एयर मासेस के कन्वर्ज होने से, ठीक है, वो भी रेनफॉल, कन्वेक्शन रेनफॉल बोलते कन्वर्जेंस रेनफॉल, या इसको साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं, और ये आपकी कन्वेक्टिव है, मींस कन्वेक्शन हीट हुई, गर्म होके और एयर ऊपर गई और ऊपर क्लाउड बन गए इसका जाके, ठीक है। अब आते हैं कंडेंसेशन, ये मैंने आपको पीछे क्लियर कर दिया, बट कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए एक न्यूक्ली होना चाहिए, बहुत जरूरी है। न्यूक्ली मीन्स हाइग्रोस्कोपिक जो मटीरियल है, हाइग्रोस्कोपिक मटीरियल मैंने आपको कल भी कराया था। कंपोजिशन ऑफ एयर में थर्ड कंपोनेंट क्या था, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में थर्ड कंपोनेंट क्या था, एक तो गैसेस था, नंबर टू क्या था, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या था, डस्ट पार्टिकल्स, वेरी गुड। कितने लिखा है चैट बॉक्स में अर्जुन, ठीक है। तो ये क्या है कि जब भी कंडेंसेशन होनी है वो तभी शुरू होगी अगर मान लो उस एयर में डस्ट के पार्टिकल्स हैं, और डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली की फॉर्म में काम करते हैं, और उसी के अराउंड जो वाटर छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसी के अराउंड वो एक फॉर्मेशन लेते हैं। जब तक एयर में डस्ट नहीं होगी तो कोई भी क्लाउड फॉर्म नहीं होगा, कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है इट विल नॉट स्टार्ट अंटिल देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। अगर नहीं होंगे तो आपकी कोई भी रेनफॉल कंडेंसेशन मीन क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत एसिड रेन का क्या रीजन होता है, कैसे एसिड रेन से जो होती है उसका रीजन क्या रहता है सर? जितने भी जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है जहाँ बहुत मेट्रोपोलिटन सिटीज है, जहाँ पे अर्बन जो जो एरिया बहुत बड़ा है, वहां पे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज के कारण, ट्रांसपोर्टेशन के कारण, व्हीकुलर जो एमिशन के कारण CO2, नाइट्रोजन, O3 मींस ओजोन जो ट्रोपोस्फेयर की बहुत ज्यादा होती है, वो क्या होती है कि वो क्लाउड में जाके फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन के साथ वो इकट्ठी हो जाती है। जब वो रेनफॉल होती है वो क्लाउड के साथ, रेनफॉल के साथ वो नीचे क्या है हर सर्फेस के ऊपर आती है, और जिसको हम एसिड रेन कहते हैं, और जहां जहां पे भी एसिड रेन आती है वहां पे जो प्लांट लाइफ है, मैरीन लाइफ है, या जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और ज्यादातर जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है इंडिया की, वर्ल्ड की, वहां पे एसिड रेन इज ए कॉमन कंसेप्ट, इज ए कॉमन फीचर, ठीक है। चंडीगढ़ आता है उसमें सर? चंडीगढ़ का बहुत कम एरिया है, बट चंडीगढ़ में एक दो साल मैंने भी खुद ऑब्जर्व की है। कभी भी देखना जब रेनफॉल होती है उसके बाद आप देखना कि आपकी जो भी जो सरफेस होगा, कार होगा, जो कुछ व्हाइट कलर के ज्यादा होते हैं वहां पे आपको पैचेस मिल जाएंगे ब्लैक ब्लैक कलर के, जिसे हम सूट के नाम से भी जानते हैं, तो वहां पे हो जाता है कि नुकसान हो सकता है, बट चंडीगढ़ में इतनी नहीं है विजिबल जितनी कि दिल्ली में है। दिल्ली में तो बहुत बड़े केसेस है एयर पॉल्यूशन की वजह से, है ना वो? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी आपको बता दिया, जितनी भी इंडस्ट्रीज का धुआं निकल रहा है, जितने भी व्हीकल का धुआं निकल रहा है जिसे हम CO2, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म कहते हैं, वो सारे ही, ठीक है। ज्यादातर जो एयर एमिशन होती है व्हीकल की, वो नाइट्रोजन को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करती है जो पोल्यूटेंट होता है, रेन के साथ वो नीचे फिर आ जाता है और उसके कारण नुकसान होता है, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से जो भी है क्लाउड जो फॉर्मेशन का कंसेप्ट है। अब आता है कि आपके डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड क्या है, वो मैंने आप कल शुरू कराने हैं, ठीक है, कभी शुरू करने हैं सर, दूसरी क्लास लगनी है अटेंडेंस पे, ठीक है, ठीक है बच्चे, चलो लेट मी स्टॉप हियर। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द टाइप्स ऑफ क्लाउड एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन फ्रॉम टुमारो, ठीक है। और कल की क्लास में कोशिश करना है कि आई विल कवर
थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, ठीक है, एंड फाइनली ऑन द लास्ट डे वी विल बी कवरिंग कार्डोग्राफ। ठीक है सर। ये कौन है प्रभजोत, तो अभी आ रहा, देखो कौन है ये। लेट मी मेक ए लिंक फॉर योर क्लास अटेंडेंस। अच्छा आपको समझ आ रही है, मुझे बता देना कहीं पे भी, ठीक है। बिल्कुल सर। तो सर जो आपने कल बोला था सर्कुलेशन ऑन रोटेटिंग अर्थ के, हाँ मुझे बच्चों ने भेजा है, काफी बच्चों ने मेरे पास। अच्छा बच्चे एक सेकंड, किसी ने क्लास नहीं अभी लीव करनी, जी जी वेट करनी 2 मिनट, मैं पहले आपको फीडबैक लिंक दे रहा हूँ, आपने पहले फीडबैक लिंक भरना है। हाँ चौथा दिन है कि पांचवा है सर? फोर्थ 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 चौथा दिन है जी आज। तो कल दे दो फीडबैक का लिंक फिर। मुझे सुमन का आया था, शबनम का एक आया है, और मनमीत का आया है, ठीक है, और आई थिंक एक दो बच्चे और हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, कुलविंदर ने भी भेज दिया है सर, मेरे पास नहीं आया। नहीं नहीं आप जिन्होंने मुझे असाइनमेंट मींस जो कल का डायग्राम थी वो भेजी सर, मैं भी भेज दिया। जिसका मैंने नाम नहीं बोला, जिसका नाम मैंने नहीं बोला, क्या नाम है पंकज? पंकज का भी आ गया, ठीक है, पंकज आया था, रिप्लाई किया मैंने आपने, बड़ा अच्छा बनाया आपने। और कौन नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी मैं व्हाट्सएप देखने लगा था, भूल गया बाद में, कोई बात नहीं। किसका नाम नहीं बोला मैंने अभी? पूजा पूजा के दिया। पूजा एक सेकेंड, मनमीत का है, सुमन का है, शबनम का है, पूजा का भी है, मुझे पूजा का तो नहीं मिला सर। ऋतिक सर भेजा था मैंने, एक्चुअली ना थोड़ा सर नेटवर्क इशू है, कल मेरी क्लास भी नहीं वो हो पा रही थी, बार बार कट हो रही थी। ऋतिक का भी नहीं मुझे मिला, शबनम का है, आज 13 हो गया ना, जिनका रह गया मुझे भेजे, इतना आपका फायदा है, अदरवाइज मुझे दिलो बच्चों के नाम हो गए कि शबनम, सुमन, कुलविंदर और पंकज, मनमीत एंड एक और था कोई बच्चा। अटेंडेंस आ गई है ना? जी सर। चलो प्लीज मार्क करो, एंड आफ्टर मार्किंग योर अटेंडेंस यू कैन लीव द क्लास, मेरे ख्याल से आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू हो चुकी है। जी सर, तो 15 मिनट पहले